A cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square. एक साइकिलिस्ट जिसका मास 40 केजी है वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है अपनी बाईसाइकिल को हरकत देने के लिए विद एन एक्सलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर के एक्सलेशन के साथ अपनी बाईसाइकिल को हरकत देने के लिए एक साइकिलिस्ट जिसका मास 40 किलोग्राम है 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड अ टायर? रोड और टायर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी उसकी मकदार हमने मालूम करनी है। टायर के दरमियान रोड के दरमियान फ्रिक्शन की मकदार कितनी होगी वो मालूम करनी है। तो सोल्यूशन इसका है, जैसे कि गिवन है कि जो साइकिलिस्ट है उसका मास 40 केजी है, तो मास 40 केजी आ गया, तो कितने एक्सलेशन से मूव करा है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इसका एक्सलेशन आ गया है, और वो जो फोर्स लगा रहा है टोटल फोर्स जो वो लगा रहा है वो 200 न्यूटन फोर्स वो लगा रहा है बाईसाइकिल को मूव करवाने के लिए। तो हमें मालूम करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि रोड और टायरों के दरमियान मौजूद है, तो वो हमें मालूम करनी है, और इसके अलावा नेट फोर्स भी चाहिए होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मालूम करने के लिए। नेट फोर्स बराबर आएगी F=ma, कि नेट फोर्स वो कितने लगा रहा है, मास 40 केजी है, एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है, तो नेट फोर्स बन जाएगी 40/3, मास 40, एक्सलेशन 3, 120 न्यूटन, ये उसके अंदर नेट फोर्स है। अब नेट फोर्स बराबर होगी अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि जितनी भी फोर्स लगा रहा है उसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर दें तो बाकी जो फोर्स बचेगी वो नेट फोर्स है जो कि 120 न्यूटन है। तो वैल्यूज पुट की, नेट फोर्स 120 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने मालूम करनी है, तो फ्रिक्शन जो कि यहाँ पे नेगेटिव है एफ इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 120 न्यूटन इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 200 में से 120 न्यूटन माइनस किया 80 न्यूटन, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो 80 न्यूटन आएगी जो कि रोड और टायरों के दरमियान मौजूद है।